गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग टू टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज 15.7 व्हिच इज बेस्ड ऑन रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। परसों जो क्वेश्चंस हमने सैटरडे की क्लास में किए थे उसमें हमने उस वैरायटी को लिया था जहां पर किसी चीज़ को टॉस किया जाता है, चाहे वो एक कॉइन है या डाई है। तो कॉइन और डाई से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स एक बैग के अंदर या एक पैक के अंदर दिए गए और उसमें से हमने दो चीज़ें या तीन चीज़ें या चार चीज़ें विड्रॉ की और फिर वो जो चीज़ें हमने उसमें से विड्रॉ की उसके बेसिस पर हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 है कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का एक पैक है, जिसके अंदर हमें कार्ड्स दिए गए हैं एंड द नंबर ऑफ कार्ड्स इन द पैक इज 52। ठीक है, 52 कार्ड्स है। हमने इस पैक में से ड्रॉ किया टू कार्ड्स को, वो भी कैसे ड्रॉ किया, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के इस पैक में से मैंने दो कार्ड्स को निकाला। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है किसका, नंबर ऑफ किंग्स का। अब मैंने आप लोगों को बताया था परसों कि जिस चीज़ का भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता है ना, हम जिस भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं दैट इज नोन एज रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब यहाँ रैंडम वेरिएबल एक्स क्या हो गया, हियर द रैंडम वेरिएबल एक्स इज नंबर ऑफ किंग्स ऑब्टेन, कि कितने किंग्स हैं। अब देखो, आपने कार्ड को दो निकाले ना, दो कार्ड्स निकाले हैं, तो दो कार्ड्स में हो सकता है दोनों के दोनों किंग कार्ड्स हो। इट मे बी पॉसिबल कि एक कार्ड किंग वाला आया हो और एक कार्ड कोई और आया हो, दूसरा आया हो। और ये भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों कार्ड्स में से एक भी कार्ड किंग कार्ड ना हो। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसकी यहाँ वैल्यूज क्या क्या बनेंगी, इट विल बी आइदर 0 और 1 और 2। जो रैंडम वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी या फिर 2 आएगी। ठीक है, ये हो गया एक्स। अब आती है बात हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। अब अगर आपको याद हो कि सैटरडे को हमने क्वेश्चंस कैसे किए थे, तो अब मैं एक बार क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बीच में छोड़कर कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जब हमने सैटरडे को क्वेश्चंस किए थे ना, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए हमने बोला था कि पहली बार में भी फेल हो गए, दूसरी बार में भी फेल हो गए और हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया कि हमने जो कार्ड्स निकालने हैं ना, वो कार्ड्स हमने विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं। तो जब हमें कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने, यानी हमने एक कार्ड निकाला उसको वापस नहीं डाला, फिर दूसरा कार्ड निकाला उसको भी वापस नहीं डाला, तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन उस तरह से हम नहीं कर सकते जैसे हम परसों वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे। ठीक है, यहाँ FF लेने से बात नहीं बनेगी। कारण क्या है कि यहाँ पर क्योंकि चीज़ों को रिप्लेस नहीं किया गया, सिंस द रिप्लेसमेंट हैज नॉट बीन डन, इसका मतलब ये हो गया कि इन द एब्सेंस ऑफ रिप्लेसमेंट ये तो डिपेंडेंट इवेंट्स का केस हो गया। अब यहाँ इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, और क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब ये कैलकुलेशन जो है ये उस तरीके से नहीं चलेगी। अब मान लो मुझे यहाँ x इज इक्वल टू 0 का केस लेना हो, तो 0 का मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक भी किंग कार्ड नहीं आया, आई हैव नॉट ऑब्टेन एनी किंग कार्ड। अब मेरे पास एक भी कार्ड किंग नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि आई हैव रिसीव टू अदर कार्ड्स, मेरे पास दो कार्ड्स हैं और वो दोनों कार्ड्स अदर कार्ड्स में से, अदर मीन्स कोई दूसरी वैरायटी है। अब दूसरी वैरायटी है तो देखो, दूसरी वैरायटी के तो 48 कार्ड्स मिलेंगे 52 में से, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं ना, तो 52 कार्ड्स में से जो सेकेंड वैरायटी होगी उसके कार्ड्स कितने होंगे, 48 कार्ड्स होंगे, क्योंकि आप 52 में से चार किंग निकाल दो, आपको तो किंग कार्ड चाहिए, किंग कार्ड 4 होते हैं, तो रिमेनिंग कार्ड्स बचे 48। इसका मतलब पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर 48/52 बनती है, तो दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए,
वो होनी चाहिए 47/51। अब ये चेंज क्यों आ रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ नंबर हमने क्यों चेंज किया, उसका कारण क्या है कि कार्ड्स का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। तो पहले की प्रोबेबिलिटी अगर 48/52 आएगी तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी जो है वो 47/51 आएगी, क्योंकि जो एक अदर कार्ड निकल गया उसको हमने वापस नहीं डाला, तो 48/52 या 47/51 होना चाहिए। अब इस हिसाब से देखें तो आपके पास वैल्यू ये है ना, 48 × 57 डिवाइडेड बाय 52 × 51, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज बताओ, अगर हम टू अदर कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी इस हिसाब से निकालते कि बोथ कार्ड्स ड्रॉन टुगेदर, दोनों कार्ड्स एक साथ निकाले गए, दो कार्ड को एक साथ निकालेंगे तब भी रिप्लेसमेंट काउंट नहीं होता है, तब भी हम यही मानकर चलते हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि दो कार्ड इकट्ठे निकाले तो इकट्ठे निकालने में भी जो है वो रिप्लेसमेंट तो मानी नहीं जाएगी। अब अगर हम दो कार्ड इकट्ठे निकालेंगे तो हमारे फेवरेबल आउटकम आएंगे 48C2, टोटल आउटकम्स बनेंगे 52C2। 48C2 होता है 48 × 47 डिवाइडेड बाय 2 factorial, और 52C2 किसके बराबर होता है, 52C2 को कैलकुलेट करें तो आता है 52 × 51 अपॉन ये भी 2 factorial, 2 factorial से 2 factorial कैंसिल हो गया और वैल्यू आई 48 × 57 डिवाइड बाय 52 × 51, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप दो कार्ड्स को 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट निकालो या आप दो कार्ड्स को एक साथ निकालो, आप कॉम्बिनेशन के थ्रू प्रोबेबिलिटीज निकालो, आंसर जो आपके पास आएगा ना वो एक ही आएगा, सेम आएगा, सेम आंसर आएगा। और जब सेम आंसर आएगा तो यहाँ हमें केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे उस तरीके से जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में केस बनाते आ रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करने का एक तरीका क्या हो सकता है कि जहाँ भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये मेंशन है कि द थिंग्स हैव बीन ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आप उनको एक साथ साइमल्टेनियसली ऑब्टेंड मानकर प्रोसीड करते हो तो यू विल गेट द सेम आंसर, और आपको बार बार ना ये सोचना नहीं पड़ेगा कि एक कम हो गया इसलिए 48 की जगह 47 हो गया और 52 की जगह 51 हो गया। तो कुल मिलाकर ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया, इसको बताने का पर्पस क्या था कि जब भी कभी हम ऐसे केसेस को डिस्कस करेंगे जहां पर हमने चीजें तो निकाली लेकिन उनको रिप्लेस नहीं किया, तो या तो हम डिपेंडेंसी वाले उससे निकालें या हम इकट्ठा निकालें, आंसर सेम आता है, तो बेटर है कि हम उसको साइमल्टेनियसली ऑब्टेंड मानकर निकाल लें, उससे हमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा और गलतियां भी नहीं होंगी, क्योंकि जब कंफ्यूजन नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है कि मिस्टेक्स भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए सबसे पहला केस क्या आ गया, सबसे पहला केस है प्रोबेबिलिटी फॉर x = 0। x = 0 का मतलब हुआ कि ए बी किंग कार्ड नहीं मिला, क्योंकि एक भी किंग कार्ड नहीं मिला तो इसका मतलब टू कार्ड्स कौन से वाले आए, हमारे पास टू कार्ड्स आए विच आर अदर देन किंग, जो किंग कार्ड से डिफरेंट है। अब ये किंग कार्ड से डिफरेंट है, किंग कार्ड से डिफरेंट 48 कार्ड्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए 48 में से कोई भी दो होंगी, ये तो फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल आउटकम्स तो 52 में से ही काउंट होंगे इसलिए 52C2 आएगा। सो द आंसर शुड बी 48 × 47 / 2 factorial डिवाइडेड बाय 52 × 51 / 2 factorial, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ जाता है 48 × 47 डिवाइडेड बाय 52 × 51, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू कैरी आउट द कैलकुलेशंस, अब निकालो जरा इसका कैलकुलेशन क्या आता है, अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 से कैंसिल हुआ 12 आया, 4 से कैंसिल होकर आया 13, ठीक है। अब 3 से आया 4 और 3 से आया 17, तो आंसर बचा 4 × 47 तो ऊपर डिवाइडेड बाय 13 × 17 नीचे, तो कुल मिलाकर ये वैल्यू कितनी आ गई,
ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 188 डिवाइडेड बाय 221. दिस इज द आंसर 188 अपॉन 221. ये प्रोबेबिलिटी आ गई किसके लिए, फॉर एक्स इक्वल टू जीरो. इनको एक तरफ लिखकर रख लेते हैं हम लोग क्योंकि इनकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी. तो क्या आंसर मिला मुझे, आई हैव गॉट द आंसर दैट प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू जीरो इज 188 डिवाइडेड बाय 221. अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट केस. अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूं तो नेक्स्ट केस में मुझे क्या लेना है बेटा, अगला केस बनेगा जब x की वैल्यू 1 आती है. ठीक है, तो अब जो सेकेंड कैलकुलेशन है वो मुझे करनी है when x is equal to 1. तो अब जब आप प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब ये हो गया 1 किंग कार्ड एंड 1 अदर कार्ड. हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए और एक अदर कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए. अब किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, किंग कार्ड तो 4 होते हैं, 4 में से कोई एक हो गए तो 4 सी वन, एंड एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 1 अदर कार्ड, अदर होते हैं 48, उनमें से एक लिया 48 सी वन डिवाइडेड बाय 52 सी टू. नाउ लेट अस कैरी आउट द कैलकुलेशंस. तो क्या आया हमारे पास, 4 × 48 डिवाइडेड बाय 52 × 51 × 2 फैक्टोरियल. ये जो 2 फैक्टोरियल नीचे आना था ना यहाँ वाला, ये शिफ्ट होकर ऊपर चला गया. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास. अब यहाँ से करें तो क्या कैलकुलेशंस बनती हैं हमारे पास, 3 से कैंसिल किया 16, 3 से कैंसिल किया तो 17, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, सो वी गेट 32 डिवाइडेड बाय 221. ठीक है, सेकेंड वैल्यू आ गई हमारे पास 32 अपॉन 221. नाउ कम्स द केस ऑफ एक्स इक्वल टू 2. अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 2 के लिए, 2 का मतलब हो गया 2 किंग कार्ड्स, दोनों कार्ड्स किंग वाले हैं. अब जब आपके पास दोनों ही कार्ड्स किंग वाले आए हैं तो नेचुरल है दोनों कार्ड्स 4 में से उठेंगे, तो ये होना चाहिए 4c2 डिवाइडेड बाय 52c2. 4c2 का मतलब 4 × 3/2 फैक्टोरियल और 52c2 का मतलब 52 × 51/2 फैक्टोरियल. तो वैल्यू आई 4 × 3 52 × 51, कुल मिलाकर आपके पास बचा 1 upon 221. ठीक है, तो x इक्वल टू 0 की वैल्यू भी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 32 upon 221 और 2 के लिए वैल्यू आ गई 1 upon 221. आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके देखो जरा, अगर आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करते हो तो क्या आता है, 188 और 32 हो गया 220, 220, 220 और 1 हो गया 221. तो आपके पास वैल्यू आई 221 upon 221. ठीक है, यही वैल्यू मिल गई ना आपको 221 upon 221. तो अब इस बेसिस पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बनना चाहिए, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस, कि x की वैल्यू को तो आप इधर रखेंगे, px की वैल्यू जो कि प्रोबेबिलिटी है उसे नीचे रखेंगे. तो तीन केसेस आपके पास हैं 0, 1 और 2. 0 पर आंसर आया 188 upon 221, 1 पर आया 32 upon 221 और 2 के लिए आया 1 divided by 221, एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, अब इसी पैटर्न पर हमें जो हैं वो क्वेश्चंस कैरी आउट करने हैं. जब कभी भी हम वो क्वेश्चंस डील करेंगे जिनमें कि विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बात दी गई है. अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 समझाया आपको, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बनता है. तो क्वेश्चन 9, 10 और 11, ये तीन क्वेश्चंस जो हैं ये आज आपके होमवर्क के लिए हैं. ये तीनों क्वेश्चंस भी वही चीज़ हमें दिए बेटा, वी हैव टू फाइंड द थिंग्स विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट इनको फाइंड आउट करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे. और इसके बाद अब एक टाइप बचती है हमारे पास, उस टाइप को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस
करेंगे। थैंक यू वेरी मच।